खामोशिया बेचैनिया नादानिया। मशीन नहीं टूटी है, मेरा वजन कम हो गया। देख देख पूरे 3 किलो। देखा देखा डाइटिंग कितनी फायदेमंद चीज होती है। वाह मम्मी जी, अब तो आपका वजन भी कम हो गया, यानी कि डाइटिंग बंद। अरे बंद क्यों करूंगी, डाइटिंग तो अच्छी चीज होती है ना। पर मम्मी जी अब तो वजन भी कम हो गया ना। हाँ तो मेरा हुआ है, तुम लोगों का थोड़े हुआ है। पहले मैं तुम लोगों का वजन चेक करूंगी, फिर डिसाइड करूंगी। चलो एक एक करके ना वजन चेक कराओ। आ जाओ चलो। मेरा तो 3 किलो बढ़ गया। ये कैसे हो गया? तुम लोगों ने भी तो मेरे साथ डाइटिंग की थी, चाहे जबरदस्ती कराई थी, फिर तुम लोगों का वजन कैसे बढ़ गया? अब बोलते क्यों नहीं? नंदू बताओ ना। अब मम्मी जी मैंने क्या इतने सारे कपड़े पहने ना, उसका वजन होगा ये। अयो रब्बा, तूने 3 किलो के कपड़े पहन रखे। और इन दोनों का कैसे बढ़ा? मम्मी जी मेरे जूतों का वेट है ना। मुझे ना बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, झूठ की भी कोई सीमा होती है। मम्मी जी सीमा तो मिश्रा जी की बीवी है। चुप कर, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। ये लो। मेरी पीठ पीछे खाना मंगा कर खाया है, उसी से तुम लोगों का वजन बढ़ा है कि नहीं? सॉरी मम्मी जी, लेकिन हमें भूख लगती थी ना। और मैं भी पतला नहीं होना चाहता था, वरना वो शादी की शेरवानी फिट नहीं आएगी ना। अच्छा अब तो वो शेरवानी तुझे बिल्कुल ही नहीं आएगी, इतना मोटा हो गया तू। मम्मी जी हमसे वो तलिया नहीं खाया जाता इसलिए। वेरी गुड, अपनी मम्मी जी को धोखा देने की सजा तो तुम लोगों को मिलेगी। अब जब तक तुम लोगों का वजन ही ना कम हो जाता, वही दलिया तुम्हें खाना पड़ेगा सुबह दोपहर और शाम को। खामोशियां बेचैनियां।